Good morning class, I welcome to you all our TMPN's online classes. Today in Modern Science, we will discuss a new chapter, that is chapter 4, God forgives our sins. Forgives matlab maaf karna, sin matlab bad deeds, jo hum Hindi mein kehte hain paap. Theek hai, jo bhi hum bad deed karte hain, bure work kaam karte hain, God hume forgive karte hain. God is great. God क्या है? Great है. That is why He forgives our sins. वो हमारे हर bad काम को, हर बुरे work को माफ कर देते हैं. There was a boy whose name was Joseph and he was 17 years old. एक boy था, उसका नाम था Joseph and वो क्या था? 17 years old था. And he was favorite son of his father. And वो क्या था? वो अपने father का favorite son भी था. And he has two elder brothers. उसके दो बड़े भाई भी थे. But his father loves him the most. उसके father उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. Okay, and one day his father gives him a coat. One day क्या हुआ? एक दिन उसके father ने Joseph को coat दिया. And his father name was Jacob. उसके father का नाम था Jacob. तो coat दिया. And उसके जो two elder brothers hate Joseph. The two elder brothers of Joseph हेट है. उसके फादर जो दो बड़े भाई थे वो उसे बहुत हेट करते थे. एंड वन डे जोसेफ हैव अ ड्रीम गोइंग डाउन टू हिम. मतलब उसने क्या ड्रीम देखा कि उसकी फैमिली उसके सामने बो हिम कर रही है, मतलब झुक रही है. बो करना, व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट टू समवन, आप उसके आगे ऐसे झुकते हो, उसे हम बो करते हैं. तो इस ड्रीम से, दिस ड्रीम हेटेड हिम मोर व्हेन ही टोल्ड अबाउट हिज ड्रीम. ये क्या हुआ? जब उसने ये ड्रीम अपने घर पे बताई थी, मतलब फैमिली में, मैंने ये डिस्कस दिस हिज ड्रीम, तो हिज ब्रदर स्टार्टेड हेटिंग हिम मोर. उसके ब्रदर्स ने उसे और हेट करना स्टार्ट कर दिया था. सो दे मेक अ प्लान टू किल जोसेफ. उन्होंने क्या किया था? जोसेफ को मारने का प्लान बनाया था. ओके, एंड वन ऑफ देम रूबेन सेड डोंट किल हिम, जस्ट पुट हिम इन द पिट. उसने, उसका एक भाई था रूबेन, उसे क्या कहा था कि डोंट किल हिम, हम उसे मारते नहीं, हम उसे जब कहीं कुएं में फेंक देते हैं, पिट में. रूबेन प्लान टू गो बैक लेटर एंड गेट हिम. रूबेन क्या किए? उसको गए जोसेफ को लेने और वापस लेके आए. वन डे व्हाट दे डिड, दे सेंट जोसेफ टू ट्रेडर्स फॉर जस्ट 20 सिल्वर कॉइंस. उन्होंने क्या किया? जोसेफ को बेच दिया, सोल्ड कर दिया. ठीक है, किसको? एक इजिप्ट ट्रेडर था. ट्रेडर जो जो सामान लेके आते हैं उनको कितने रुपीज और कितने कॉइन्स है? सिर्फ 20 सिल्वर रुपीज कॉइन में, 20 सिल्वर कॉइन्स में उसे उन्होंने बेच दिया. ठीक है, दे टुक हिज ब्रदर कोट एंड डिप्ड इनटू द ब्लड ऑफ अ यंग गोट. उन्होंने, और व्हेन ही सोल्ड हिज ब्रदर एंड देन आफ्टर दैट दे टुक द कोट. उन्होंने क्या किया? जोसेफ का कोट लिया, द कोट व्हिच वाज गिवन बाय हिज फादर. जो कोट उसको उसके फादर ने दिया था जोसेफ को, उसके भाई ने क्या किया? भाई और ब्रदर्स ने व्हाट दे डिड, दे टुक द गोट एंड डिप्ड इनटू द गोट्स ब्लड ऑफ गोट, यंग गोट, एक यंग गोट की डेड हुई थी तो उसके ब्लड से उसमें उसको डिबोट दिया. ठीक है, गोट को, एंड द गोट गेट रेड, उसमें ब्लड लग गया गोट का. एंड व्हाट दे टोल्ड द फादर, मतलब उस जोसेफ के भाई ने अपने फादर्स को क्या बताया? जो 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 जोकब से इट्स अ जोसेफ कोट. उन्होंने कहा ये जोसेफ का कोट है. अ वाइल्ड एनिमल हैज किल्ड हिम. क्या उन्होंने पूछा क्या कोई एनिमल ने किल्ड किया है? तो जोकब वाज क्राइड एंड क्राइड, और वो रोता रहा. फादर क्राइड फॉर द जोसेफ दैट ही अ वाइल्ड एनिमल किल्ड हिज सन. हिज सन डिड नॉट टेल देयर फादर व्हाट रियली हैपेंड. उनके जो सन, बाकी जो जोसेफ के ब्रदर्स थे, दे डिड नॉट टेल द रियलिटी, जो ट्रुथ था, टू हिज फादर that we sold the Joseph was not dead but we sold him. उन्होंने ये बात उनको नहीं बताई. many years later Joseph became a ruler in the Egypt. क्या हुआ? बहुत टाइम बाद जोसेफ क्या बन गए? रूलर. जोसेफ क्या बन गया? रूलर बन गया इजिप्ट में. his brother came to Egypt. वो ब्रदर, उनके ब्रदर कहाँ गए? इजिप्ट में गए. इजिप्ट गए थे and they go to him, और वो उसके सामने झुके. And he thought, and they were shocked to see his brother. और वो अपने भाई को, जोसेफ को देख के बहुत शॉक्ड भी थे. ठीक है, एंड जोसेफ ने क्या किया? जोसेफ फॉरगिव हिज ब्रदर्स. उसने अपने भाइयों को माफ भी किया. एंड जो भी काम उन्होंने बुरा डीड किया था, लेकिन उन सब को दे ही फॉरगेट द थिंग व्हिच हैपेंड. द
Joseph forgave his brothers, whatever the thing happened with him, or what the things did his brother with him. तो ये उन्होंने उसने क्या किया, जोसेफ ने forgive किया. And how did not say that Joseph had been killed. The brother made their father believe that Joseph was dead, even though he was not. Joseph ke brothers ne kya kiya tha, they believed their father that Joseph was dead. उन्होंने उसको ये, उन्होंने अपने फादर को ये नहीं बताया था कि जोसेफ को मैंने मारा है या वी सोल्ड हिम बट ही मेक हिम बिलीव कि दैट जोसेफ वाज डेड. हाउ डिड जोसेफ फील अबाउट हिज ब्रदर आफ्टर दे वर मीन टू हिम. जोसेफ को कैसा लगा होगा जब उसने सारी चीज़ें उसको पता चली होंगी, व्हेन ही गॉट टू नो दैट व्हाट हिज ब्रदर्स डिड विथ हिम. Joseph later told him. Joseph told him, it was not you who sent me here, but God who has sent me here to save your life. ये आप लोग, तुम लोग यहाँ पे हो और आप लोग ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है. God who sent me here just to save your life. आप तुम लोगों की जान बचाने के लिए God ने मुझे यहाँ भेजा है. You are not the one who sent me here. Let us recite this small prayer. Okay, when they, now we will recite a small prayer. Dear God, I know you forgive me whenever a wrong is done, so I must learn to do the same, that is forgive each one. एक prayer है इसमें क्या लिखा है कि dear God, हमें पता है हम जो भी काम करेंगे, whatever the thing we did or whatever wrong thing we did, you always forgive us. हमें आप हमेशा माफ करोगे. And with this we learn also that we also forgive each and every person. हमें सबको माफ करना चाहिए, ठीक है. In the same way you are doing the thing. जिस तरह से आप सबको माफ करते हैं वैसे ही हमें भी सबको माफ करना चाहिए. तो this is all about the story. God forgive us sins. So what we learn in this story, that we forgive each and every person who is doing the bad deed or who is doing the wrong work. We should learn him, we should unko batana chahiye, we should told him what is wrong and what is right. So we should forgive everyone, each and every person, as the God forgives us. Okay, now thank you class. You read the chapter once in your home, at your home. Thank you.